अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, जो पल पल बदल रहा है। प्रदेश के 32 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के 9 जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ ओले गिरने की भी संभावना है। भोपाल, इंदौर समेत 32 ऐसे जिले हैं जहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और संभावना यहां पर आंधी चलने की भी है। नर्मदापुरम, बैतूल जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। और इससे पहले हमने देखा है, कल भी भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास, विदिशा, रायसेन, उज्जैन समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई है। ओले भी गिरे हैं, तेज हवा भी चली है और कई जिलों में देर रात तक मौसम बदला रहा है। भोपाल में भी 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और इसके अलावा सिवनी में भी 1/2 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। रायसेन में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को राहत तो मिल रही है लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। उनका कहना है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से बारिश ओले का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है और इसी वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। ये बारिश का वक्त नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। 12 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसका असर भी प्रदेश में देखने को मिलेगा और यही वजह है कि बारिश का रेड अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। लगातार मौसम बदल रहा है, कभी धूप निकल आती है तो कभी अचानक से बारिश होने लगती है। ये तस्वीरें हम आपको कल की ही दिखा रहे हैं बारिश की। कल बारिश हुई है भोपाल में रुक रुक कर और भोपाल के अलावा अलग अलग जिलों में तेज बारिश हुई है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल भोपाल में क्या तापमान है और कैसा मौसम है, वो तस्वीरों के जरिए आप बताइएगा। देखिए, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में मौसम के दो रंग हैं, कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं गरज चमक के साथ बीते दिनों भी बारिश हुई है और आज भी बादल छाए हुए हैं। राजधानी भोपाल का हम मौसम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस तरह से राजधानी भोपाल में बादल छाया हुआ है, कभी धूप कभी छांव, क्योंकि कल भी राजधानी भोपाल में तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है और मध्य प्रदेश के करीब 32 जिले ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें जबलपुर, मंडला, राजगढ़, हरदा, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, उमरिया, डिंडोरी के जिले जो है शामिल हैं, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। वहीं 9 जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के जिले शामिल हैं जहां पर रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, उसमें 9 जिलों में जिन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वहाँ ओलावृष्टि भी हो सकती है। क्योंकि और राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो 41.4 डिग्री सेल्सियस पीथमपुर में दर्ज किया गया था और उसके साथ न्यूनतम तापमान जो है नर्मदापुरम के पचमढ़ी में दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि इसी तरह से मौसम 3-4 दिनों तक बना रहेगा। लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है लेकिन जो अब बारिश होगी, ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरस सकती है, क्योंकि जो मूंग की खेती है उसको नुकसान होगा, उसके साथ साथ गेहूं के साथ साथ सरसों की जो खेती है, जो खेत से कटाई करके किसान अपने खलियानों में रखा है, उसके लिए खासा नुकसान होगा क्योंकि इस बारिश से फसल बर्बाद होगी। तो किसानों के लिए चिंता भरी खबर है कि 3-4 दिनों तक मौसम बना रहेगा लेकिन लोगों को गर्मी से आज राहत 3-4 दिनों तक मिलने वाली है। ठीक है अजय दुबे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में मौसम पलट गया है और 2 घंटे में 1 इंच के लगभग कल बारिश हुई है, जो 11 साल में अप्रैल में सबसे ज्यादा है।